सर एक मासूमाना सा एक सवाल है जी, जी बिल्कुल, कि एक बच्चे को लीडर कैसे बनाया जा सकता है? उसका एक ही सोर्स है, दैट इज नॉलेज। नॉलेज बेस्ड होगी दुनिया। मैं उसका एक मासूमाना जवाब भी देता हूँ आपको आज, कि बदमाशी भी जो है ना वो भी नॉलेज के बगैर नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉलेज बेस्ड बदमाशी होगी। न्यूक्लियर वेपन क्या है? हथियार है ना, ताकतवर है, नॉलेज है। नॉलेज के बगैर आप नहीं कर सकते। मौला जट का दौर नहीं है, इतने बटन दबाएंगे दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। न्यूक्लियर वेपन जिसको हम कहते हैं ना NPT, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर को रोको, ठीक है ना। हथियार जो है वो अनपढ़ आदमी नहीं बना सकता है। ये इस दुनिया में कोई भी चीज़ आप कोई भी कई वेपन्स का नाम ले लें, इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ये वेपन्स क्या है? बुनियादी तौर पर बदमाशी का एक बहुत खूबसूरत तरीका है, नॉलेज है। नॉलेज की बुनियाद पर बना है। आपके पास F-16 है, आपके पास टैंक है, आपके पास ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स, इस किस्म का है कि वो टारगेट करें ना वहाँ से बैठ के अमरीका से, अमेरिकन सदर के ये पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है। और पहला ICBM जो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल विल हिट लाहौर, और जो इंटरव्यू हो रहा है ना जिस कमरे में उसको हिट करना है, ट्रेस कर देगा, वो ट्रेस करके यहीं आके हिट करेगा। दैट इज़ द लेवल ऑफ प्रोफेशन दे हैव अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। और इसको आप बदमाशी भी कह सकते हैं, बदमाशी का बहुत खूबसूरत तरीका है। आप डिटेरेंस क्या है? डिटेरेंस बुनियाद तौर पर यह है ना, धमकी है आपको, बी केयरफुल। कहते हैं यादव साहब ने कहते हैं राजीव गांधी की शतकान में कहा था कि भाई हमारे पास भी बॉम्ब है। तो बॉम्ब क्या है बुनियादी तौर पर? नॉलेज की बुनियाद पर आपने खड़ा किया है।